विकास के नाम पर मतदाताओं ने किया मतदान। टुडे 24 ने लोगों से जानी दिल की बात। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चली आ रही सरगर्मी शाम 6 बजे के बाद समाप्त हो गई है। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया। क्षेत्र के नागरिकों ने आखिर किस आधार पर अपना मतदान किया है, इस पर हमारे संवाददाता रविंद्र सक्सेना ने कुछ मतदाताओं से वार्ता की। पेश है एक रिपोर्ट। प्रसाद जी की मोदी की लड़ाई है, रेखा वर्मा से कोई मतलब नहीं है, मोदी जी से मतलब है। जितिन जी यहाँ आगे चल रहे हैं, दोनों बूथों पे जितिन प्रसाद जी आगे चल रहे हैं। कौन सा आधार है इस समय जितिन प्रसाद का यहाँ पर? जितिन प्रसाद जी का विकास का आधार है, उन्होंने जो करके दिखाया है क्षेत्र में वही उनका चल रहा है, और रेखा वर्मा के नाकारेपन का ये जवाब जहाँ जनता दे रही है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतदान किया है, यहाँ पे 3 प्रत्याशी त्रिकोणीय लड़ाई होने का आसार हैं। सबसे ज़्यादा कांग्रेस और भाजपा में लड़ाई होने के आसार हैं, ज़्यादातर वोटिंग कांग्रेस और भाजपा के पक्ष में हुई है, और इस लोकसभा धौरहरा में प्रत्याशी के ऊपर वोटिंग हुई है, ना कि किसी पार्टी के ऊपर। आपकी नज़रों में गठबंधन प्रत्याशी की क्या स्थिति रहेगी? गठबंधन प्रत्याशी का वोट बैंक है, उसका वोट बैंक है तो उसको तो वो मिलेगा ही, और समाजवादी पार्टी के लोग किधर जाते हैं ये तो 23 मई को ही पता चलेगा जब मतों की गणना होगी। ठाकुर बिरादरी किधर गई है? वो तो ठाकुर बिरादरी तो प्रत्याशी जितिन प्रसाद जी यहाँ से हैं, तो उनके समर्थन में ठाकुर बिरादरी के लोगों ने वोट किया है ज़्यादा से ज़्यादा। धौरहरा में लोकसभा चुनाव यहाँ पर जो लड़ा गया है, ये बेसिकली 3 मुद्दों पर लड़ा गया है। एक तो राष्ट्रवाद की ओर, विकासवाद और व्यक्तिवाद, 3 मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया है। कुछ लोगों ने राष्ट्रवाद पर वोट दिया है, कुछ लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया है, कुछ लोगों ने व्यक्तिवाद के नाम पर वोट दिया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं, किसकी पोजीशन बेहतर जा रही है? त्रिकोणीय संघर्ष है, कोई किसी से कम नहीं है। अब ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कौन प्रत्याशी कितने मतों से जीतता है। यही चाहता हूँ कि क्षेत्र का विकास हो और आम पब्लिक को किसी को न महसूस हो कि मुझे जो ठगा जा रहा है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसा मोदी जी ने कार्य किया है देश के लिए, उसको कार्य को बढ़ाने के लिए उनके 5 साल की भी कार्यकाल की और आवश्यकता है। क्या जितिन में क्या कमी लगी है आपको? जितिन एक्चुअली वो जिस पार्टी से, उसका कोई नेता नहीं है, कोई विजन नहीं उनका है, कोई नेता नहीं लगता है जो प्रधानमंत्री पद को जो है सुशोभित कर पाए। अरविंद जी, ये गठबंधन प्रत्याशी पर आपके क्या प्रतिक्रिया है? मामला गठबंधन प्रत्याशी का भी वही है, क्योंकि उनके पास भी कोई लीडर नहीं है जो प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य होगा।